नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ममता सरकार ने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 का रिजल्ट जुलाई में निकलने का फैसला किया है। आप अगर पहली बार ये खबर को सुन रहे हो तो पूरी खबर को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप अगर 10वीं के छात्र हैं या फिर उनके कोई रिश्तेदार या फिर उनके माता पिता, आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि जब परीक्षा ही नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे निकलेगा, किसके आधार पर निकलेगा। इस विषय में सारी जानकारी हम आपको देते हैं। आपको बस लास्ट तक पूरा वीडियो को देखना है, तभी आप पूरे सिस्टम को समझ पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग ज़रूर जानते होंगे, कोरोना की बढ़ती मामले को मद्देनज़र रखते हुए सारे के सारे बोर्ड एग्ज़ाम को हटा दिया गया था, बल्कि 10वीं क्लास की परीक्षा को रद्द करना पड़ा था कोरोना के चलते। इस साल पश्चिम बंगाल का 10वीं की परीक्षा भी इसी वजह से रद्द करना पड़ा था। अब अगर पिछले साल की बात करें तो 10वीं की परीक्षा को बीच में ही रोकना पड़ा था कोरोना की बढ़ती मामलों की वजह से। अब इस साल माध्यमिक परीक्षा यानी कि WBBSE के परीक्षा करीबन 12 लाख स्टूडेंट देने वाले थे। जब परीक्षा कैंसिल हुआ तो उन 12 लाख बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी हैरान थे, क्योंकि भारत में जब जब बोर्ड की परीक्षाएं होते हैं तब तब उनके माता पिता का भी नींद उड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनके माता पिता का भी परीक्षा चल रहा हो। अब ममता सरकार ने ये ऐलान किया है कि जुलाई में इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। अब कैसे होगा इसका मूल्यांकन, हम आपको पूरी चीज़ समझाते हैं। किस चीज़ के आधार पर ये रिजल्ट तैयार किया जाएगा, आप देखिए ये विश्लेषण। रिजल्ट 50-50 के दौर पर मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि 50% नंबर 9th के क्लास से लिया जाएगा और बाकी के 50% नंबर बोर्ड से दिया जाएगा। आपने ऐसा अगर पहली बार सुन रहे हो तो पूरे सिस्टम को समझिए। अब 9th के क्लास से कैसे लिया जाएगा, 9th के क्लास में जो मॉक टेस्ट हुआ और जो भी प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ उनमें से वो नंबर 50% लिया जाएगा, आप बाकी के 50% बोर्ड से दिया जाएगा, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन सेंटर है वहीं से दिया जाएगा। दोनों के मिला के जो 100% नंबर है वहीं से जुड़ के वो रिजल्ट तैयार होके आएगा। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं अमित कुमार, जी न्यूज़ की तरफ से आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। सावधान रहिए और सुस्त रहिए।